महिला शक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से करता है, यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे मन संचालन करती हुई बहन हमारी सजग भाजी हमारी बहन पूनम जी और मंच पे विराजमान हम हमारे छोटे भाई और हमारे अभी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय हमारे विजय सिन्हा जी, मंच में विराजमान हम सभी के अभिभावक जिन्होंने विश्वास किया कि 29 साल के उम्र में एक विधवा बहन को इन्होंने नीचे से उठाया और पूरा भाजपा परिवार आज यहां तक पहुंचाया, मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं अपने उप मुख्यमंत्री भाई छोटे भाई तारकिशोर सिन्हा जी की तारकिशोर प्रसाद जी को, आदरणीय हमारे भाई कृषि मंत्री, हम सभी के साथ काम करने का मौका मिला भाई अमरिंदर जी, हमारे भाई मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ हम सभी लोगों के अध्यक्ष भी रहे, भाई हमारे जो कि राम सूरत भाई जो अभी मंत्री हैं, इनके साथ कभी कभी मौका मिलता था संगठन का काम करने के लिए जब मैं मुजफ्फरपुर जाती थी, हमारे राष्ट्रो भाई राम सूरत जी, भाई हमारे मिथिलांचल से चल के आए हुए देवेश जी, याद रखने की चीज है, बहुत कम लोगों को ये ध्यान में होगा कि सुशील मोदी जी इस चुनाव प्रचार के दरमियान ही कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और जो सामान्य रूप से कोरोना पॉजिटिव होता है वो निगेटिव होने के बाद 10 दिन 15 दिन आराम करता है, क्योंकि शरीर के अंदर की स्थिति थोड़ी शारीरिक रूप से वह व्यक्ति निश्चित रूप से कमजोर होता है। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था और कमजोरी दिखती थी, लेकिन सुशील मोदी जी ने उसकी परवाह नहीं की, कोरोना टेस्टिंग पॉजिटिव से वो ठीक हुए, अगले ही दिन सड़क मार्ग से यहाँ से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मधुबनी, मधुबनी से फिर पटना आए। यह जो उनकी काम करने की इच्छा शक्ति है वह कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है, और मैं भी कोरोना पॉजिटिव, मुझे जब जानकारी मिली कि सुशील जी सड़क मार्ग से इतना घूम सकते हैं तो मैंने एक दिन के बाद निर्णय लिया कि मैं भी अब जाऊंगा, जो होना होगा वो होगा। ये प्रेरणा देने वाला तो कोई व्यक्ति होना चाहिए, ये ऐसा संकल्प, लड़ने की इच्छा शक्ति, राजनीतिक मैदान में यदि युद्ध का समय है तो युद्ध के समय सैनिक और सेनापति को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सारे कई चीज हम सब लोग लगातार अपने नेताओं से सीखे हैं। इसलिए यह पूरा जो सफलता मिला है उसमें माननीय सुशील मोदी जी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत उनका समर्पण है, उनका योगदान है, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और आपका मार्गदर्शन, आपका नेतृत्व हम सब लोग को लगातार मिलता रहेगा, मिलता रहा है, और नजरिया है भारतीय जनता पार्टी की, जो सोच है महिला सशक्तिकरण की, महिला समाज को राजनीतिक रूप से मजबूती देने की, न केवल हम संगठन के अंदर देते हैं, न केवल संगठन में हम अपने महिला कार्यकर्ता बहनों को आगे करते हैं, बल्कि सरकार में भी जब अवसर मिलता है तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और की है, ये इसका उदाहरण है। ये आज ये दोनों जो ऐसे पद हैं जो पहली बार हम सब लोगों को देखने को मिलता है, एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी बहुत अपने को आह्लादित महसूस करता हूँ। संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी सहित सभी केंद्रीय नेतृत्व का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस संपूर्ण चुनाव में, हमारे संगठन महामंत्री जी, जिन लोगों ने संपूर्ण समय चुनाव के समय पूरा मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया, हर एक चीज की जानकारी रखी और दिशा निर्देश देने का काम किया, जिस कारण से संगठन के हम सब कार्यकर्ता बेहतर तरीके से चुनाव का संचालन कर सके और चुनाव के दौरान पार्टी की गतिविधियों को, एनडीए की गतिविधियों को संचालित करके सफलता दिला सके।
मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का भी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में यह इतनी बड़ी सफलता हम सब लोगों को मिली। लेकिन मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय से उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सुशील मोदी जी ने बिहार की जनता की सेवा की और इस चुनाव में बहन रेणु देवी जी मंच पर उपस्थित, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई विजय कुमार सिन्हा जी मंच पर उपस्थित, हम सबों को मार्गदर्शन देने वाले और राजनीति में विधानमंडल में कैसे काम करना हर पल हर वक्त समझाने और सिखाने वाले आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी और हमारे बड़े भाई मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व अध्यक्ष वर्तमान बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री जिनके नेतृत्व में जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला और हर समय मार्गदर्शन मिलता रहा, वैसे बड़े भाई श्री मंगल पांडे जी मंच पर उपस्थित, हमारे अभिभावक और इनके कमिटी में 5 साल साथ में रहकर अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे। उन्होंने नारा दिया था जय भाजपा तय भाजपा और साबित भी कर दिया, इसलिए जोरदार ताली हो जाए। अब हम सबके बीच में हमारे सम्मानित दरभंगा से हमारे विधायक संजय सरावगी जी, जिन्होंने भी ये साबित किया कि अपने कर्मों के दम पर, तो माननीय मंत्री हमारे राम सूरत राय जी जो मुजफ्फरपुर से बने हैं, छोटे छोटे विषयों पर जब भी हमने बुलाया वो आकर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का किए, आज उसका ही प्रताप है कि उन्हें अब मैं आग्रह करूंगी हम सबके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय अरे सर अरे भैया भैया साइड हो जाइए, आगे चढ़ जाइए ना भैया। अब मैं आग्रह करती हूँ, अरे कहाँ पे आ गए, अरे भैया साइड भैया ना बैठ ना जी। स्वागत करेंगे हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, जोरदार ताली हो। हम लोग बहुत ही मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मंत्रियों को सदन में आने का हम लोगों ने काम कराया है, इसलिए कार्यकर्ता जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। मुखर्जी जी और दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देने की कृपा करें। ए अनिल भाई फोटो इधर, ना ना वो तो इतनी रख देता है हमेशा।